आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि हाल ही में 2-3 दिन पहले राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फर्रुखनगर का एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य पर अभिभावकों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करने व दाखिला न करने का बयान दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले विद्यालय के मुखिया और विद्यालय स्टाफ की केवल अच्छाइयां और उपलब्धियों का ही बयान जन जन में और मीडिया में देखने को मिलता था, इसलिए तत्कालीन मामले को लेकर हम दोबारा पहुंचे हैं राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ विद्यालय फर्रुखनगर में। हम आपकी बातचीत उस अभिभावक महिला से भी करवाएंगे जो कि आज यहीं पर मौजूद है, जिन्होंने यह कहा था कि प्रिंसिपल अभद्र भाषा में अभिभावकों के साथ बातचीत करता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वही राजकीय मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय है जिसकी रूपरेखा बिल्कुल बदल चुकी है। बोली, मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ना, मेरा तो टीन है मेरे घर में, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं इसमें दाखला दूंगा। बबली जी नमस्कार। आपने अभी 2-3 दिन पहले ही प्रधानाचार्य पर ही आरोप लगाए थे कि उन्होंने गालियां देके हमें स्कूल से बाहर किया, और आज आप ये रिटर्न दे रहे हो कि अभद्र व्यवहार और गालियां जो हमने एलिगेशंस सर पे लगाए वो गलत थे, हमारी गलतियां थी, सर ने ऐसा नहीं बोला। क्या ये बिल्कुल ठीक बात है? आप किसी दबाव में तो नहीं लिख के गए हो ये एप्लीकेशन माफीनामे की कि सर हमारे से गलती हो गई? ना ना, अपनी मर्जी से लिखता है। अपनी मर्जी से लिख के गए? ऐसा कहा कि भाई सर ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया? सर जो गाड़ी मोहल्ले वाला था उनमें सर नुगले भाई बच्चे ने जिंदगी खराब कर रहे है, ये तो लेने रहे एक बच्चे को भी, जब तो भाई चलो भाई इसकी वो कराना। जो आप लोगों ने एलिगेशन लगाए थे उन पे जो माफीनामा जो आपने लिखा है, ये आपकी खुद की मर्जी से लिखा है किसी के दबाव में? जी, मेरे पास भी कागज। अभी किसी प्रकार की नाराजगी प्रधानाचार्य से आपकी है? प्रधानाचार्य जी से, सर से आपकी नाराजगी है किसी प्रकार की? आपको लग रहा है कि ये पढ़ाई नहीं करवाएंगे आपके बच्चे की? जी, मैंने तो विश्वास है कि मेरे बच्चे तो यहीं पढ़ना चाहिए। सर 12 मई को आपके स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आए बच्चों के माँ बाप ने ये एलिगेशंस लगाए थे कि आप अभद्र व्यवहार उनके साथ करते हैं और गाली गलौज करते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक था सर? इस बात में जरा से भी सच्चाई नहीं है। वास्तव में क्या मुद्दा था सर? ये मुद्दा ये था कि ये बच्चे हैं, इनका कुछ पिछले जो ये कक्षा 9th में मेरे पास पढ़ते थे, मेरे विद्यालय के पढ़ते थे, इनसे कुछ गलती हो गई थी जिसको मीडिया के अंदर मैं उजागर नहीं करना चाहता क्योंकि बच्चे के भविष्य से संबंधित है। उस मामले से इन्होंने बच्चों पेरेंट्स ने अपनी इच्छा से SLC लेकर चले गए थे और पुनः वो इस विद्यालय में दाखिला लेने के लिए आए थे, तो मैंने इनको उस मुद्दे के बारे में अवगत कराते हुए सलाह दी थी कि भाई आप किसी दूसरे विद्यालय में दाखिला लेंगे, इसलिए इनसे एक निवेदन किया गया था। मेरे द्वारा किसी भी तरह की कोई अन्य कोई बात नहीं नहीं सर, आपके ऊपर ये एलिगेशन था कि आपने अभिभावकों को विद्यालय से भगाया था। मैंने किसी भी अभिभावक को कभी भी नहीं भगाया और ना इनको भगाया, बल्कि इनमें से एक महिला जो बहुत ही बदतमीजी से मेरे विरुद्ध बोल रही थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में भी है, उसको भी मैं उचित रूप से उजागर नहीं करना चाहता, बल्कि वो बहुत भद्दे तरीके से बात कर रही थी। सर आपके विद्यालय में संतोष नाम की एक मैडम है, उन पर भी ये एलिगेशन है कि आपके कहने पर उन्होंने भी अभिभावकों को स्कूल से बाहर निकाला। संतोष हमारे यहाँ मिड डे मील वर्कर के पद पर कार्य करती है, कोई वो मैडम नहीं है जी। वो यहाँ बैठती थी, वो महिला जो अभिभावक थी वो मेरे को बुरा भला कह रही थी, तब उससे कहा था कि भाई आप इस तरह के, क्योंकि विद्यालय में बच्चे भी हैं और अध्यापक भी यहाँ काम करते हैं, तो माहौल ख़राब ना हो, इसलिए उससे ये निवेदन किया था कि आप ऐसे ना करें और प्लीज़ यहाँ विद्यालय से चले जाएँ। सर मीडिया के सामने सुमन, सरोज और बबली ने ये कहा था कि आपने उनको माँ बहन की गालियाँ दी हैं, कहाँ तक सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अब ये दोनों अभिभावक मेरे पास में आए हैं और उन्होंने लिखित में ये स्वीकार किया कि हम किसी अपने अनपढ़ता और बोलेपन की वजह से गुमराह हो गए थे और आपने बिल्कुल भी कोई गाली गलौज या अभद्र व्यवहार नहीं है, वो लिखकर मेरे को इस बात का वो जिक्र भी करें। सर एक और बात सामने आ रही है कि आप विद्यार्थियों के पेरेंट्स के पास फीस उचित नहीं ले रहे हैं जो सरकार के दायरे में? इस विद्यालय में
फीस है सरकार के द्वारा निर्धारित, जो CBSE के नॉर्म के अनुसार है, वो जो सरकार के द्वारा निर्धारित है वही फीस रहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी फीस हम नहीं लेते हैं। सर, आपने जो बच्चों के पेरेंट्स को बताया कि आपके बच्चे टैब में कुछ गलत गतिविधियां कर रहे थे, वो कहां तक सही है सर? वो बात सही है, लेकिन मीडिया में, क्योंकि स्कूल का मैटर है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं अनजाने में, या उनका टीन एज ग्रुप होता है, इसलिए हो जाता है। वो नॉर्मल सी है और बच्चा कर देता है, हम उसको दर्दनाक करते हैं। आज सर, इन बच्चों के अभिभावकों ने हमें अपने पास बुलाया और जो रिटर्न कॉपी आपको कल दे के गए थे वो भी यहाँ देखी गई है कि बबली और सुमन नाम की जो ये औरत आई थी, जिनके बच्चे यहाँ पढ़े, उन्होंने रिटर्न में आपको दिया। उनसे भी हमारी बातचीत हुई कि भाई किसी प्रकार के दबाव में हमने सर को रिटर्न में नहीं दिया है। तो इन्होंने सर क्या बताया कि उस दिन आपने ऐसा क्यों किया कि एलिगेशंस लगाए और आज माफ़ीनामा दे के जा रही, सर क्या वजह रही खास? उन्होंने जो मेरी बातचीत में कहा कि मैंने कहा कि सच है वो सच रहता है और आप सच ही बोल रहे हैं, आपने क्यों किया, तो उन्होंने मेरे को सिर्फ ये बताया कि हमने ना तो हम कहीं गए थे, लेकिन हम किसी के मोहरे बन गए हैं और उस मोहरे की वजह से हमारा फ़ायदा उठा, लाभ क्या है, मोहरे बन का है। हम खेल पर करते हैं कि ये बात इस तरह का रूप धारण नहीं करनी चाहिए, और हमें ये भी नहीं मालूम था कि वो इतना बड़ा बवेला ड्रामा करने की कोशिश की जाएगी और थाना तहसील में भी जाने की कोशिश करेगी, हमें नहीं मालूम था इस तरह की बात। ये उन्होंने कहा है और ये स्वीकार किया है इस बात पर, और उन्होंने खेल भी प्रकट किया है। और मैंने कहा कि ये बातें आप अपनी मर्जी से करें, मेरा किसी तरह का कोई दबाव उनके ऊपर नहीं रहा। सर, जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है स्कूल में अभी, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये एलिगेशंस अभी पड़ोस की, उनकी नज़दीक रहने वाले और परिवारों के व्यक्तियों ने कहा कि भी आप माफ़ीनामा वहाँ पे दे के आए हो। उस औरत से भी मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई पड़ोस कह रही है कि आप वहाँ एडमिशन करवा के बच्चों का आए हो, कभी कल को आपके बच्चे के साथ किसी प्रकार का मतभेद हो तो हम आपका साथ नहीं देंगे। तो आप कोई ऐसा गलत कदम तो नहीं उठा लेंगे सर? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे विद्यालय के अंदर गरीब अमीर का कोई भेद नहीं होता है, ऊंची जाति और नीची जाति का कोई भेद नहीं होता है, कोई धर्म और दूसरे धर्म की बात किसी भी तरह का कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं। और एक सच्चा अध्यापक वही होता है जो बिना भेदभाव के सब बच्चों के विकास के लिए काम करे, समानता के रूप में काम करे। ये बच्चे, दोनों बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं, ये बच्चे मेरे विद्यालय के बच्चे हैं और इनके साथ में किसी भी तरह का कोई भेदभाव और किसी तरह की कोई बात मेरे और मेरे अध्यापकों द्वारा कभी भी नहीं की जाएगी। थैंक यू सर।